मेडल मेडल डेफिनेटली एक सेटिस्फैक्शन होता है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा कलर्स में चेंज हो सकते हैं, बट हाँ मेडल एक रिवॉर्ड होता है आपके हार्डवर्क जो भी आपने किया होता है। एंड इस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे अभी एक डेढ़ महीने से काफ़ी अच्छे से, और ये एक ऐसा कंपटीशन था जिसमें मेरा अभी तक मेडल नहीं था, तो इट वाज रियली बिग मोमेंट फॉर मी जब ये मेडल जीता था। एंड एज दिस इज़ द लास्ट कंपटीशन ऑफ द ईयर, तो वो भी एक वो था कि आई वांटेड टू फिनिश इन अ वेरी गुड लाइक विनिंग मोमेंट, एक ख़त्म करना था मेरे को कॉम्पिटिशन में। सो मैंने 2008 में शुरू किया था अपने स्कूल से, एंड स्कूल से शुरू करने के बाद मैंने 2012 में अपना पहला इंटरनेशनल खेला था, एंड 2012 से मैं कंटिन्यूसली पार्ट ऑफ द इंडियन शूटिंग टीम हूँ। पहले जूनियर में था, देन 16 से आई एम पार्टिसिपेटिंग इन सीनियर कैटेगरी, तो तब से चल रहा है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, एंड आई गॉट इंडक्टेड इन टॉप्स इन 18, तब से टॉप्स का पार्ट हूँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है हमें एज अ शूटिंग के इक्विपमेंट रिलेटेड हो या फॉरेन में ट्रेनिंग करने से रिलेटेड हो, एवरीथिंग वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द साई। और देन 18 में आई पार्टिसिपेटेड इन एशियन गेम्स, बट मेडल पॉसिबल हो पाया 2022 में, जो हंगझो में हुए थे उसमें गोल्ड मेडल था। तो इस तरीके से जर्नी रही है। हाँ, इसमें तीन पोजीशन होती हैं, प्लस इसके अलावा फिर एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है, बाहर विंड चलती है तो उतना ही विंड का इफेक्ट होता है बुलेट पे, सो आपको उस हिसाब से समझ के उतना ही एम थोड़ा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करना पड़ता है, तो थोड़ा चैलेंजिंग तो है ये इवेंट। तीनों पोजीशन में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, इक्वली गुड देना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो बाकी से बैलेंस हो जाए, तीनों में अच्छे होंगे देन यू विल बी एबल टू मेक टू द फाइनल्स। 80 is a very big proud moment for us, and especially I will say it's an inspiration for the youth, जो हमारे जो youth हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक motivation और youth है, उनको inspire करता है कि it's a achievable thing, now एक Indian ने कर दिया तो बाकी भी कर सकते हैं, so it's a goal for them also, and जिस तरीके से ये सारी चीज़ें possible हुई हैं इसमें आई गेस हमारे फेडरेशन, हमारी साई जो है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने उनका काफ़ी बड़ा रोल है, उनकी जितनी इतनी सारी स्कीमें हैं जिनसे सपोर्ट मिला है उन्हीं की बदौलत ये सब पॉसिबल हो पाया है। मैं अगर राइफल की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है प्रीवियसली, पहले गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद से फिर अभी जो अर्जुन फोर्थ पे फिनिश किए हैं, स्वप्निल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जो पहली बार 50 मीटर राइफल में आज तक कभी किसी ने नहीं जीता है, सो ये एक तरीके का इम्प्रूवमेंट ही है। तो अगर मैं इसको बोलूँ तो अगले वाले ओलंपिक में डेफिनेटली इस 50 मीटर के राइफल के मेडल को कलर चेंज के लिए मैं बोलूँगा, और 10 मीटर में तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, वो भी डेफिनेटली वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में तो छोड़ो ओलंपिक में भी मेडल के लिए कोशिश करेंगे।